मुझे बुलाया शेरावा लिए, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ पत्थलगांव। पत्थलगांव में जितने भी दुर्गा पांडाल हैं, आप सभी को मैं दर्शन कराता हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे दोस्त लगाए हुए एक बार हेलो कर दो यार। देख सकते हैं मेरे पीछे रवि, और पीछे में यहाँ पर दुर्गा पांडाल है। और मैं यहाँ पत्थलगांव में जितने भी पांडाल हैं, दुर्गा पांडाल, सबके आपको दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो मेरे साथ बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग बस स्टैंड वाला दुर्गा पांडाल में आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काफ़ी सुंदर से सजाया गया, देख सकते हैं। तो चले चलते हैं अंदर की साइड, और मैं आपको दुर्गा माता के दर्शन कराता हूं। और आप देख सकते हैं यहां पर, जब यहाँ लोग जाने वाले मंडी वाला जो दुर्गा पंडाल है। और आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पूजा करने के लिए जितने भी सामग्री रहते हैं, वो सभी प्रकार की सामग्री मिल जाएगी, जैसे कि माता की चुनरी और फल वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर छोटे मोटे खिलौने की दुकान भी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप आएंगे तो यहाँ पर खिलौने भी ले सकते हैं। तो गाइज, आज पंचमी का दिन, इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। बाकी अष्टमी और सप्तमी के दिन यहाँ पर भीड़ हो सकता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। देख सकते हैं ये वाला अंबिकापुर वाला रास्ता है, अंबिकापुर जाने के लिए रास्ता ये वाला, ये पीछे साइड अंबिकापुर लेके जाता है। तो चले चलते हैं पंडाल के अंदर में, और मैं आपको दर्शन कराता हूँ दुर्गा जी के। तो वीडियो मेरे साथ बने रहें।
तो गाइस आप जैसे यहाँ पर इस पंडाल में आते हैं तो आपको यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप दर्शन कीजिए राधा कृष्ण जी का। यहाँ शिव जी का मंदिर है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ है, पत्थर का रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गणेश पटेल काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे साथ दुर्गा पांडाल देखने का। तो गाइस अभी हम लोग बर्फ फैक्ट्री वाले रास्ते में आ गए हैं और ये वाला जो बर्फ फैक्ट्री अंबिकापुर रोड में पड़ता है। और अभी मेरे साथ रवि पटेल है, काफ़ी दुखी है भैया, क्या बोलोगे? कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है। और कैसे है गणेश? और गणेश पीछे में है और यहाँ का दुर्गा पांडाल आपको दिखाते हैं, तो वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर पूरा लोकान् अकल्पयन्ना नित्यं निवेदयामि निविद्यान्ते प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। तो गाइस अभी हम लोग सिटी हॉस्पिटल में आ चुके हैं जो पत्थल गांव का है, ये सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो यहां पर भी थाना है और थाना के बगल में भी एक दुर्गा पंडाल लगाया गया है, तो चलते हैं और मैं जो दुर्गा पंडाल है उसका आपको दर्शन कराता हूं मैं और यहां दुर्गा माता जी के भी दर्शन कराता हूं, तो वीडियो मेरे साथ बने रहें। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के चारों ओर का नज़ारा, यहाँ पर आपको मधुबन दुकान देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आते हैं शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटे मोटे खिलौने की दुकान लगी हुई हैं, तो आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर खिलौने भी खरीद सकते हैं। और मेरे दोस्त लोग देख सकते हैं देवप्रकाश गणेश पटेल। ओम शुभं करोतु कल्याणं शांति पृथ्वी शांति लाभ शांति गोप्रदयः शांति वनस्पतयः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम तो गाइस जो पत्थल गांव का दुर्गा पंडाल था पूरा मैं आपको घुमा चुका और ये पंडाल दुर्गा पंडाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसा था उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देवप्रकाश कुछ बोल भाई। हेलो गाइस, अपने भाई का बड़ा जबरदस्त होने वाला है, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो देवप्रकाश भाई का बात जरूर रखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुर्गा पंडाल के जितने भी वीडियो हैं वो आपको घर बैठे दर्शन कर सके और अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
change up.